हमारे पास जो बुक्स वो रहते हैं तो उसके ऊपर कभी बच्चों के जो किताबें हैं कि सिलेबस जैसे कि मराठी वगैरह हो गया, तो उसमें अगर बुद्धों के वो तस्वीर है तो तस्वीरों का क्या करना चाहिए? देखिए, वो उन बुक्स से बच पाना तो आपके लिए मुमकिन नहीं है। वो कोर्स हाँ है, हुकूमत का, गवर्नमेंट का वो कोर्स है, आपको उसे पढ़ना है और उसे खरीदना है। अगर उससे अब खरीदना और पढ़ना, इसमें कोई कबाहत नहीं होगी क्योंकि उसमें आपका कोई अख्तियार नहीं है। आप उससे बचना चाहते हैं तो जैसे अगर कवर पे तस्वीरें हैं तो आप उसके ऊपर कोई कवर चढ़ा लें, या अगर कोई हरज ना हो तो आप उसके ऊपर इंक लगा सकती हैं। इस तरीके से आप बच सकती हैं। लेकिन मान लीजिए अगर बच्चा उस पे इंक लगा देगा, स्कूल में उसको डांट पड़ेगी, तो फिर वो भी नहीं करेगा। अगर कवर लगाना स्कूल में मना है तो वो भी नहीं करेगा। तो जहां तक आप के लिए मुमकिन हो सके उससे आपको बचना चाहिए, लेकिन आप जहां नहीं बच सकते हैं वो चीज आपके अख्तियार में नहीं है। जी सर, तो वो उसको वैसे मतलब वैसे बुक्स वो घर में शिर्क का नहीं, शिर्क तो नहीं होगा? हमको ऐसा लगता है कि मतलब नहीं, तस्वीर की वजह से देखिए, शिर्क होगा। तस्वीर शिर्क नहीं है। पहली बात तो यह है कि तस्वीर शिर्क नहीं है। तस्वीर गुनाह है, शिर्क नहीं है। गुनाह जरूरी नहीं है कि शिर्क हो। और ये जो तस्वीर आप घर में रख रही हैं, ये आपके अपने अख्तियार में नहीं है। आप ऐसा थोड़ी है कि आप अपनी मर्जी से, अपने अख्तियार से वो तस्वीर रख रही हैं। तो इसमें इंशाल्लाह कोई हर्ज की बात नहीं है। और मेरा एक दूसरा सवाल इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि अगर कभी हम कहीं बाहर गए या कुछ भी रहा, तो न्यूज़पेपर में कभी कोई खाने की चीज पैक होकर आई और उसके ऊपर अगर बुध की वो तस्वीर रही, तो क्या वो न्यूज़पेपर में खा सकते हैं हम? क्या उसमें भी शिर्क होंगे? मतलब उसमें खाए तो शिर्क नहीं, होगा? देखिए, हर वो तस्वीर जिसकी तौहीन ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा हो कि उसकी तकरीम ना हो बल्कि उसकी तौहीन हो, तो ये जायज है। जैसा कि एक हदीस के अंदर ओके। है, उस हदीस के अंदर बाकायदा इस्तिथना मौजूद है कि उसका सर काट दिया जाए या उसका ऐसा इस्तेमाल किया जाए कि उसको रौंदा जाए, उसकी तौहीन की जाए। अगर ऐसा इस्तेमाल उसका है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर पेपर में तस्वीर है, आप उसमें खाना खा रहे हैं, तो जाहिर है उसको तोड़ मरोड़ के कूड़े में फेंकेंगे। तो इसमें इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं जी है।